हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ लक्ष्मण रेखा वाली चौक के बारे में। आप में से ज्यादातर लोग लक्ष्मण रेखा वाली चौक के बारे में जरूर सुना होगा और कई लोगों ने तो इसका यूज भी किया होगा। ये तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि लक्ष्मण रेखा का यूज ज्यादातर पेस्टिसाइड्स या फिर घर में या फिर ज्यादातर किचन्स में चींटी या फिर कॉकरोच को भगाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप में से किसी ने और कभी ऐसा सोचा है कि आखिर उस लक्ष्मण रेखा वाली चौक में ऐसा क्या होता है जिसके टच में या फिर अगर एक बार उस लाइन को बना दिया जाए तो उस लाइन को क्रॉस करने के बाद चींटियां या फिर कॉकरोच मर जाते हैं। और जरा सोचिए कि अगर वो लक्ष्मण रेखा वाली चौक गलती से किसी इंसान के खाने के टच में आ जाए या फिर कोई इंसान गलती से उस चौक को निगल ले तो फिर इंसान का क्या होगा। तो इंसान पे इस चौक का क्या असर होगा, उसके हेल्थ पे इससे क्या इफेक्ट्स या फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बगल में बन रहे बेल के निशान पे जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और हेल्थ से रिलेटेड मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। तो आज हमारे पास ऐसा ही एक लक्ष्मण रेखा मौजूद है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस लक्ष्मण रेखा में ऐसा क्या होता है जिसके टच होने पे चींटियां मर जाती है या फिर कॉकरोच मर जाता है। लेकिन आप में से जो लोग इस लक्ष्मण रेखा के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं शॉर्ट में जरा इसके बारे में बता दूं। तो इस लक्ष्मण रेखा का यूज यूजुअली घर में और खासकर किचन्स में खाने वाली चीजों को या फिर उसके आसपास में किया जाता है। अगर हम इस लक्ष्मण रेखा पे दिए गए इंडिकेशंस को भी पढ़ें तो उसमें भी लिखा होता है कि इसको अपने घर में कि जिस चीजों को आप चींटियों से या फिर कॉकरोच से दूर रखना चाहते हैं उसके चारों तरफ गहरी एक या दो लाइन बना दें। और कहा यह जाता है कि अगर उन लाइंस को चींटियां या फिर कॉकरोच क्रॉस करेंगे तो वो अपने आप ही मर जाएगा, और ऐसा होता भी है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर इस लक्ष्मण रेखा वाली चौक में ऐसा क्या होता है जिसके टच में आने से या फिर जो लाइन बना दिया जाता है उसको क्रॉस करने से चींटियां या कॉकरोच मर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये लक्ष्मण रेखा वाला चौक कई सारे केमिकल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे मेजर केमिकल जिसका यूज होता है इसको बनाने में वो केमिकल है साइपरमेथ्रीन। और वैसे अगर हम इस केमिकल यानी साइपरमेथ्रीन की बात करें तो इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए और इंसेक्टिसाइड्स को बनाने के लिए। यानी कि इस साइपरमेथ्रीन केमिकल का यूज बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है खेती करने वाले कीटनाशकों में कीड़ों को मारने के लिए, और बहुत सारे हाउसहोल्ड मटेरियल्स में भी इसका यूज किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स के रूप में। लेकिन आखिर इस साइपरमेथ्रीन केमिकल में ऐसा क्या होता है जिसके टच में आने से ही इंसेक्ट्स या फिर उसके द्वारा बनाए गए लाइंस को क्रॉस करने से चींटियां अपने आप ही मर जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये साइपरमेथ्रीन एक प्रकार का पॉइजन होता है, और ये साइपरमेथ्रीन केमिकल हाईली टॉक्सिक और हाईली एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन होता है। लेकिन अगर आप न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जितनी भी जहरीली सांप पाई जाती है उनमें खासकर दो ही प्रकार के पॉइजन पाए जाते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन जो ज्यादातर ब्लैक मांबा में, कोबरा में, इंडियन करैट में या फिर कई सारे ऐसे जहरीले सांप हैं जिनमें पाया जाता है, और दूसरा जहर होता है होमोटॉक्सिन पॉइजन। और ये होमोटॉक्सिन पॉइजन कई दूसरे जहरीले सांपों में जैसे कि सौ स्केल्ड वाइपर हो या रसल वाइपर हो, और दुनिया में कई ऐसे जहरीले सांप हैं जिनमें ये होमोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन और होमोटॉक्सिन पॉइजन शरीर पे किस तरीके से काम करता है तो ये अलग विषय है। लेकिन अगर इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो मैं अपने उस वीडियो का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दे रहा हूं, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देखें। और अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पे और जानते हैं कि इस लक्ष्मण रेखा वाली चौक में यूज की गई साइपरमेथ्रीन केमिकल से आखिर ऐसा क्या होता है। तो इसमें हाईली टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन होता है जिसके टच में आने से इंसेक्ट्स खासकर चींटियां, मछली या फिर कई दूसरे एक्वेटिक इंसेक्ट्स या एक्वेटिक एनिमल्स, बीज यानी मधुमक्खियां, कॉकरोच,
खटमल इनके टच में आने से इंसेक्ट्स का नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है और बहुत ही जल्द उसकी मौत हो जाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर इस साइपरमेथ्रिन केमिकल या फिर इस लक्ष्मण रेखा वाली चौक अगर गलती से इंसान के बॉडी में टच हो जाए या फिर किसी इंसान के गलती से खाने में टच हो जाए या फिर कोई इंसान गलती से इसे निगल ले तो फिर इंसान पे इसका क्या असर होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साइपरमेथ्रिन केमिकल इंसानों के लिए माइल्डली पॉइजनस होता है। इंसानों पे इसका उतना जहर नहीं होता या इंसानों के शरीर पे ये जहर उतना एक्टिंग नहीं करता जिससे कि इंसानों की मौत हो जाए। लेकिन अगर किसी इंसान का स्किन सेंसिटिव है और ये केमिकल या फिर पेस्टिसाइड्स में यूज किया जाने वाला ये चौक अगर इंसानों के शरीर में टच हो जाए तो जिन इंसानों का स्किन सेंसिटिव हो उनके स्किन में रेडनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं और कई दूसरे प्रकार के इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स उनके स्किन में देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए इस तरीके की किसी भी पेस्टिसाइड्स पे और खासकर अगर इस लक्ष्मण रेखा वाली चौक के डब्बे पे भी पढ़ेंगे तो उस पे लिखा होता है कि आप इसके यूज से पहले अपने हाथों में प्रॉपर ग्लव्स जरूर पहने और यूज करने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से धो लें, क्योंकि अक्सर इसके यूज के बाद अगर आपका नेकेड हाथ गलती से आंखों में टच हो जाए तो काफी गहरी परेशानी हो सकती है। लेकिन क्या अगर ये गलती से लक्ष्मण रेखा वाला चौक गलती से खाने में टच हो जाए तो इससे हमारे शरीर पे क्या असर होगा, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर ये साइपरमेथ्रिन केमिकल इंसानों के खाने में टच हो जाए तो इसका कुछ खास इंसानों के बॉडी पे असर नहीं होता है, लेकिन अगर कोई इंसान पूरा का पूरा इस लक्ष्मण रेखा वाली चौक को ही निगल ले तो उनके बॉडी पे कुछ सिम्टम्स देखने को या फिर इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे उस इंसान में वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है, वो इंसान में नंबनेस हो सकता है, उसको चक्कर आ सकती है, उसको सिकनेस हो सकती है, डिसकंफर्ट फील हो सकता है। और अगर पूरा का पूरा कोई इंसान चौक निकल ले तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी हो सकती है और बहुत ही कम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी रेयर केसेस में इंसानों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि है तो एक प्रकार का ये पॉइजन ही। तो इसलिए आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के केमिकल या फिर किसी भी प्रकार के लक्ष्मण रेखा को घर में खासकर किचन्स में जितनी कम से कम हो उतना ही यूज करें। और अगर आप इसका यूज करते हैं तो फिर प्रॉपर सावधानियों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि इसको खाने के टच में नहीं आने दें, यूज करने से पहले हाथों में ग्लव्स का यूज जरूर करें, बच्चों के पहुंच से दूर रखें, बच्चों के टच में इस केमिकल को या फिर इस चौक को नहीं आने दें, और अगर गलती से कोई इंसान इसे निगल ले तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं, खुद की और सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का यूज ना करें, क्योंकि ये पॉइजन माइल्डली वेनेमस होता है तो ऐसे में इस पॉइजन के लिए एंटीडॉट्स बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आशा करता हूं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको काफी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसे ही अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बगल में बन रहे बेल के निशान पर भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके।